हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बानी टू प्रयागराज। मैं तो शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टोटली पढ़ने वाले हैं क्या वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर में हमने देखा था कि हमने तीन टाइप की चीजें देखी थी, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो हमने कांस्टेंट पे चर्चा की थी, मतलब कांस्टेंट मतलब वो नंबर्स, वो स्थिरांक, वो डेटा, चाहे मैं डेटा बोलूं, चाहे मैं कांस्टेंट बोलूं, चाहे मैं इंफॉर्मेशन बोलूं, तीनों को आप एक जैसे ही कैटेगराइज कर सकते हो। क्योंकि जो भी नंबर्स या फिर जो भी डेटा आज हमारे पास होंगे वो किस फॉर्म में होंगे भाई, कांस्टेंट वाले फॉर्म में होंगे या फिर वेरिएबल वाले फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे जो मेनली इस डिबेट पे ना जाके हम सीधे इस पे चर्चा करते हैं कि हमारा वेरिएबल क्या है, क्योंकि इस वेरिएबल को समझने के बाद हमारे हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कांस्टेंट में, वेरिएबल को पढ़ने के बाद। डोंट वरी, उस चीज को थोड़ा सा होल्ड करिएगा, चीजें जब पूरी खत्म होंगी, पूरी तरीके से यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, तब आपके सामने पूरी चीजें क्लैरिफाई होंगी और समझ में आएंगी कि क्या फर्क है सर दोनों में। तो सबसे पहली बात कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, मेमोरी, मेमोरी यूज होती है। अब हम जब कभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम में क्या होता है कि डेटा को रखने, डेटा को मान लेते हैं हमें दो नंबर को ऐड करना है, हमें रखना है 3 और हमें रखना है 2। अब 3 या 2, यहाँ पे से समझिए कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मैं लिखूं कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में हमें सबसे ज्यादा क्या चेक करना है भाई, हमारे वेरिएबल्स कहाँ कहाँ हैं और कैसे यूज हुए हैं। जस्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिनट। हाँ, ये आ गया। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हमको दो नंबर को ऐड करना है, एक है हमारे पास ऐड करने के लिए 3, एक हमें 2, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। अब बशर्ते ये समझिए कि जैसे ये दुनिया, हर इंसान का अगर कोई नाम नहीं होता, सब पीके टाइप के होते हैं ना। पीके का मतलब, पीके मूवी वो कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी का नाम नहीं होता, हर किसी का नाम नहीं होता, तो किसी को बुलाना होता तो हम कैसे बुलाते या फिर कैसे पहचानते, किसी चीज का कोई नाम नहीं होता। तो वही मतलब यहाँ पे है कि जो मेमोरी है उसी मेमोरी में दिया गया नाम ये क्या कहलाता है, वेरिएबल नेम कहलाता है। वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पे हम डेटा को अपने स्टोर करते हैं। जैसे ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो नाम है, इंसान का जो नाम है, इंसान की जो बॉडी है, इसकी पहचान के लिए एक नाम दिया गया, कोई नाम, सोनू, मोनू, रेनू, कुछ भी नाम दे दिया जाए, ये उस इंसान की पहचान है। अब किसी का नाम मान लेते हैं मोटू है, किसी का नाम क्या है, मोटू है। अब मोटू नाम होने से वो मोटू तो नहीं हो गया, उस व्यक्ति की पहचान क्या है, उस व्यक्ति जो इंसान है, जो उसके दो हाथ दो पैर जो है, उसका नाम है मोटू। बात समझिएगा यहां पे। तो ऐसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें जब हम डेटा रखते हैं तो डेटा की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा का कुछ ना कुछ नाम देते हैं, उस जगह का कुछ ना कुछ नाम देते हैं। उस जगह का नाम क्या होता है भाई, उस जगह का नाम होता है आपका वेरिएबल नेम। उसी चीज को क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम बोलते हैं। वेरिएबल्स इज एन एंटिटी दैट मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक जगह बनाई, हमने बनाया एक वेरिएबल, इसका नाम दिया इंटीजर ए। अब ये ए, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमारे मेमोरी में ए नाम की कोई जगह बनी। अब इसको मेमोरी कितनी अलर्ट होगी, जितना जिसके साथ ये इंट्रोड्यूस होगा, जिसके साथ में ये आएगा, अगर ये इंटीजर के साथ में आ रहा है तो हमें पता है कि इंटीजर को 2 बाइट की मेमोरी मिलती है, तो इसे वही सम्मान मिलेगा जो इंटीजर को मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नाम है, एक एक नाम है जो कि किसी मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसी मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें डेटा कैसा रखा जाएगा, इंटीजर टाइप का रखा जाएगा। किस टाइप का डेटा रखा जाएगा, इंटीजर टाइप का डेटा रखा जाएगा। मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने ए रख दिया, अभी यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ए के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लिखूं 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 का रिजल्ट हम जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, आप जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, कोई अदर पर्सन ऐड करेगा तो भी वही आएगा।
इन द सेंस कहने का मतलब ये अपने आप में स्थिर है, कांस्टेंट है। मैंने वही बोला था, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। जबकि मैं बोलूं भैया कि ए प्लस बी जोड़िए आप और इसका रिजल्ट बताइए, तो आप बोलेंगे सर जी ए और बी तो जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि ए तो ए बी सी डी है, अल्फाबेट है, बी भी अल्फाबेट है, तो जुड़ेंगे नहीं। मतलब इसके नाम, ये कोई नंबर है जिसका हमने कुछ ना कुछ नाम दिया, ये एक नंबर है जिसका हमने कुछ नाम दिया है। एक्चुअली में यहां पे देखिए ए और बी यही दोनों है वेरिएबल। वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग चर राशि, जो कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ये डिसीजन नहीं हो पाता, या फिर डिसीजन नहीं होता। वेरिएबल डेट में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब ए के अंदर आपने 5 रखा है, बिल्कुल सही बात है, आपने ए के अंदर 5 रख दिया। अब ए जो 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 5 एक नंबर है जो कि मेमोरी में कहीं पर रखा है, उसका नाम जिस जगह पर रखा गया है उस जगह का नाम क्या है, ए नाम है। जबकि वही अदर हैंड हम बात करें, ए असाइनिंग टू 7 मान लेते हैं, ए की वैल्यू हमने 7 कर दी। अब ए जो है किसको रिप्रेजेंट करने लगा, 7 को रिप्रेजेंट करने लगा। ए वेरी कर रहा है नंबर टू नंबर, अभी तक ए 5 था, अब ए 7 हो गया। आगे मैं कहीं लिख दूं ए साइनिंग टू 9, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्त, 9 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये समझिए कि ये तो नहीं बदल रहा ना कि 5 बदल गया 7 में, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ए बदल गया 5 में, फिर ए बदल गया 7 में, फिर ए बदल गया 9 में। तो मेरे दोस्त यही कहने का मतलब है, यहाँ पे वेरिएबल आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं उस जगह का नाम है। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली वेरिएबल इज अ प्लेस वेयर यूजर कैन स्टोर एनी कांस्टेंट फॉर टेम्पररी बेसिस, जो कि यूजर क्या करता है टेम्पररी बेसिस पे जहां पे कोई ना कोई डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बनाने का जो पर्पज वो यही है कि हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए उस जगह का कुछ ना कुछ नाम देते हैं मेमोरी में। फिर बात करते हैं भाई वेरिएबल नेम्स की, किसकी चर्चा करते हैं वेरिएबल नेम की। वेरिएबल नेम इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल नेम जो होता है वो नाम होता है किसका, मेमोरी लोकेशन का। जैसे वेयर वी स्टोर वेयर वेरिएबल नेम इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर एनी ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट इंटीजर रियल कैरेक्टर, इंटीजर रियल कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। वन टाइप ऑफ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट, मतलब वही बात की अगर इंटीजर की मदद से आपने कोई वेरिएबल बनाया तो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, फ्लोट की मदद से बनाया तो फ्लोट की मदद से करेगा, कैर की मदद से बनाया तो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। सो पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि वेरिएबल एक कांसेप्ट है, वेरिएबल एक कांसेप्ट है। कांसेप्ट मतलब किसी भी जगह का दिया गया नाम, और वेरिएबल नेम वही नाम है, दोनों में फर्क क्या है, समझ आया आपको कि भाई वेरिएबल जो है ये ए को हम बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे जो हमारा ए है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो हमारा ए है ये अपने आप में क्या है, वेरिएबल। ये अपने आप में क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ए नाम है। इसका नाम क्या है, ए नाम है इसका। वेरिएबल नेम जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर का। वेरिएबल नेम बनाते हैं, वेरिएबल नेम हम खुद डिसाइड करते हैं। क्यों डिसीजन करते हैं, या गौर से इस बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आप कुछ चीजें कभी भूलेंगे नहीं। कि वेरिएबल देखिए प्रोग्राम में हम दो तरीके की चीजों को हैंडल करते हैं, इन अदर हैंड मैं इन सबसे बाहर मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा समझिए। प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम में हम दो चीजें हैंडल करते हैं मेरे दोस्त। एक हम हैंडल करते हैं कोई भी प्रोग्राम होगा, जब एक मिनट, हाँ जो कोई भी प्रोग्राम होगा इस प्रोग्राम में हम लोग दो चीजें हैंडल करेंगे। एक तो हम हैंडल करेंगे डेटा, और दूसरा हम क्या हैंडल करेंगे, उस डेटा से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन निर्देश। जैसे
हमें हम हमने आपसे बोला कि एक नंबर गिनी दो नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए। अब इससे क्या फर्क पड़ता है आपको भाई? इससे फर्क पड़ता है कि कोई दो नंबर होंगे, मान ले दो नंबर हो गया 3 और 5, ये दो नंबर हो गया 3 और 5। अब आपको इसका करना है इससे रिलेटेड काम, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। हमने आपको क्या बोला कि भाई आपको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लीकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है। सो फाइनली बात ये आपको समझ में आ रही होगी कि इससे रिलेटेड हमें ये चार चीजें हैंडल करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे क्या है? इंस्ट्रक्शन है, इसको हमें प्रिंट कराना है। ये भी क्या हुआ? एक इंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन डेटा क्या है यहाँ पे? 3 और 2, 3 और 5। इन द सेंस कहने का मतलब प्रोग्राम में हम दो चीजें हैंडल करेंगे, डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर ये बताइए एक प्रोग्राम को अगर मेमोरी मिलती है तो मेमोरी इसी पर्पज से मिलती है कि भाई ऐसा करिए बंटवारा कर दीजिए, 50% आप इन्हें दे दीजिए और 50% आप इन्हें दे दीजिए। मान लेते हैं इन्हें, सपोज मान लेते हैं, रियल फैक्ट क्या है वो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा आपको कि एक प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलती है। वैसे 54 KB की जगह मिलती है, ये फैक्ट है, लेकिन आज को आगे चर्चा करेंगे इस पर। मान लेते हैं एक प्रोग्राम को 10 KB की जगह मिलती है, तो 5 KB जो है 5 KB इनको मिल गई और 5 KB इनको मिल गई। अब 5 KB 5 KB जगह अलॉट हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें केवल दो नंबर्स रखने हैं 3 और 5, जबकि इंस्ट्रक्शन हमारे पास ज्यादा हो जा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कोई खा खा के मर जा रहा है और कोई बिना खाए मरा जा रहा है। बात समझिए, अब इतनी जगह इसके पास हो गई सफिशियंट, काम से ज्यादा इसके पास इतना है कि भाई काम ही नहीं हो पा रहा है, इंस्ट्रक्शन ज्यादा है। ये केवल इसी प्रोग्राम का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा सारे प्रोग्राम में होगा। डेटा की संख्या कम होगी और इंस्ट्रक्शन की संख्या ज्यादा हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, इस कोलेजन को दूर करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको दूर करने के लिए प्रोग्रामर्स ने क्या सोचा कि सर जी एक काम करते हैं, हम प्रोग्राम में जो हमारे दो तरीके के स्टेटमेंट होंगे, किसी भी सी प्रोग्राम में दो तरीके के स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, एक लिखा जाएगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक लिखा जाएगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और दूसरा लिखा जाएगा एक्शन स्टेटमेंट। दूसरा क्या लिखा जाएगा? एक्शन स्टेटमेंट। और क्या ये क्या लिखा जाएगा? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में जितने भी डेटा को हैंडल करने वाले हैं जितने भी फंक्शन को हैंडल करने वाले हैं उन सब का डिक्लेरेशन पहले कर लेते हैं। उनका डिक्लेरेशन मतलब उनके बारे में जानकारी देते हैं, उनके लिए मेमोरी कंज्यूम करते हैं। जानकारी देने का इन द सेंस क्या होता है कि उनके लिए हम लोग मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि भाई बची हुई सारी की सारी जगह उस काम के लिए जो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या फिर वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिनसे कुछ ना कुछ एक्शन होता है, उनकी जगह सेफ बच जाती है। मतलब ऐसे समझिए, दो लोग हैं, 2 किलो खाना आया और खाने को बोला गया कि भाई ऐसा करिए, एक व्यक्ति कम खाता है एक ज्यादा खाता है। अब आपने क्या किया, 1 किलो खाना उसको दे दिया, 1 किलो खाना उसको दे दिया। अब जो कम खाता है उसके लिए तो खाया, पेट भर गया, बच गया, क्या करेगा? फेंक देगा। जो ज्यादा खाता है उसको कम पड़ गया, वो भूखा सोएगा। ये बात तो गलत है। इससे बचने के लिए प्रोग्रामर ने क्या किया, प्रोग्रामर ने ये बोला कि भाई जो कम खाने वाला है उसको पूरा दे दो, उसको बोलो कि जितना खा सकते हो भाई खा लो, जो बच जाए हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको दे देंगे। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, उसका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया और जो जगह वाली समस्या थी वो क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। वैसे ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है हमारा हम क्या करते हैं प्रोग्राम में, ये बोलते हैं कि जितने भी आपको डिक्लेरेशन करने हैं, चाहे वो वेरिएबल का चाहे वो आपको फंक्शन का, आप उसे पहले कर लीजिए, उसके बाद सारे के सारे आप एक्शन स्टेटमेंट लिखिए,
क्योंकि जो जगह इसको अलॉट हो गई वो इसको रिजर्व कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट शुड बी रिटन बिफोर टू द एक्शन स्टेटमेंट। यही रूल बन गया, यही नियम बन गया। इसका रीजन क्या था? जितने भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो एक्शन स्टेटमेंट के पहले लिखे जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा क्यों है और नियम क्या है, नियम क्या है और इसका कारण क्या है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। तो कहने का मतलब यहां पे हमारे ये था मेरे दोस्त कि ये जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाते हैं उसका बनाने का पर्पज ये होता है कि अपनी मेमोरी रिजर्व कर सके। हमें अपने प्रोग्राम में जितने डेटा के साथ में डील करना है उनकी जगह हम रिजर्व कर सके। वेरिएबल नेम, यहाँ पर वेरिएबल नेम बनाने के नियम क्या क्या होते हैं ये समझ लीजिए। जो वेरिएबल का नाम देंगे उस नाम, ऐसा नहीं कि कोई भी नाम दे देंगे। अब किसी का नाम, किसी का छोटा सा बाबू हुआ है, उसका नाम जाके आप चाऊ वाऊ रख दो तो गलत बात है ना भाई। उसी का नाम उसके गुणों से थोड़ा सा मिलता जुलता रहना चाहिए, या फिर मीनिंगफुल होना चाहिए, या फिर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। वैसे ही नाम बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। अब किसी को हुआ है बेटा, आप उसका नाम जाकर रख दो लड़की वाला, ये भी तो गलत है। नाम बनाने के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। वैसे ही प्रोग्राम में हम जितने भी डेटा डील करने वाले होते हैं उस डेटा का कुछ ना कुछ नाम देना होता है, क्योंकि उसके लिए हमें जगह अलॉट करनी होती है। उसी नाम को देने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं। उसी नियम को क्या बोलते हैं? रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम बनाने के नियम। तो वेरिएबल नेम क्या होगा? वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर साइन। वेरिएबल नेम जो होगा वो मिला जुला के बनेगा किससे? अल्फाबेट से। ये अल्फाबेट कौन से होंगे? आपके कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, डिजिट्स, डिजिट्स होंगे आपके 0 to 9 और अंडरस्कोर साइन। जैसे ये अंडरस्कोर साइन, इसको हम लोग हाइफिनेशन के नाम से जानते हैं, जो बीच में लगता है और जो नीचे लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर साइन बोलते हैं। तो गौर फरमाइएगा यहाँ पे कि अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर, इसके अलावा अगर कोई भी सिंबल आपको किसी वेरिएबल नेम में दिखाई दे तो वेरिएबल नेम गलत लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर साइन, इसके अलावा अगर आपको कोई भी वेरिएबल में कोई भी अदर सिंबल दिखता है, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो, वो क्या है? गलत लिखा गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अ वैलिड वेरिएबल नेम कंटेन्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। जो वैलिड वेरिएबल नेम है वो कभी डिजिट के साथ में स्टार्ट नहीं होगा। जो वैलिड वेरिएबल नेम है वो कभी भी डिजिट के साथ में स्टार्ट नहीं होगा। मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी डिजिट के साथ में स्टार्ट नहीं हो सकता है। इस बात को भी आपको समझना है कि अल्फाबेट में बी स्टार्ट फ्रॉम द सॉरी वेरिएबल नेम में बी स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट अंडरस्कोर साइन बट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, लेकिन वो कभी भी डिजिट के साथ में स्टार्ट नहीं हो सकता है। इन 16-bit आर्किटेक्चर, मतलब 16-bit आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो वेरिएबल नेम लेंथ शुड बी 31 कैरेक्टर। एक वेरिएबल का नेम जो हो सकता है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है। लेकिन 32-bit आर्किटेक्चर की बात करें, 64-bit आर्किटेक्चर की बात करें, ऐसे में वेरिएबल नेम की लेंथ ज्यादा हो सकती है। मतलब इतना बड़े नाम तक के आप वेरिएबल्स बना सकते हो, इतने नाम तक के वेरिएबल्स का आप क्या कर सकते हो, इसके इतने बड़े बड़े नाम आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अगली पॉइंट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम इज मस्ट बी इन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मतलब वही बात यहाँ पे कि वेरिएबल का जो पहला लेटर होगा वो अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर साइन हो सकता है, लेकिन डिजिट नहीं होगा। इस बात को आपको समझ के चलना है। नो कामाज आर ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। कोई भी कामा या फिर ब्लैंक स्पेस वेरिएबल नेम के साथ में अलाउ नहीं है। केवल कामा और ब्लैंक स्पेस की बात छोड़ दीजिए, अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर साइन के अलावा और कोई सा भी हो वो अलाउ नहीं होगा।
लेकिन ध्यान दीजिएगा जावा में एक और सिंबल ऐड हो जाता है डॉलर का सिंबल, लेकिन सी में नहीं, वो कहां पे यूज होगा, जावा में यूज होगा। नो अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के साथ में कोई भी मतलब अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल अलाउ नहीं होगा। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, वेरिएबल नेम का वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, मतलब जिस प्रकार के डेटा को रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसी के हिसाब से कुछ होना चाहिए। तो ये थी बातें वेरिएबल से रिलेटेड और वेरिएबल नेम के बनाने से रिलेटेड। अब अगली चर्चा जो हम अगले आइडेंटिफायर पे करेंगे, हमने पढ़ा कांस्टेंट, हमने पढ़ा वेरिएबल, अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं क्या भाई, कीवर्ड। फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कीवर्ड। तो कीवर्ड पे चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है कीवर्ड और क्या होता है कीवर्ड का मतलब। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इज दैट वर्ड दैट मीनिंग इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन कंपाइलर। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। इसका मतलब क्या होता है, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, मतलब कुछ ऐसी नाम या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका हम अपने प्रोग्राम में बार बार यूज करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं। अब हर किसी के लिए उस चीज को बनाना, मतलब हमें यूज करना है तो हम बनाए, आपको यूज करना है तो आप बनाए, जैसे कर, इससे बचने के लिए जो प्रोग्रामर्स थे, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने कुछ नाम, कुछ चीजें ऐसी बनाई जिनको उन्होंने कीवर्ड की कैटेगरी में रख दिया, मतलब उनको प्री डिफाइंड कर दिया, पहले से डिफाइन कर दिया, और उसका जो मतलब है पूरा का पूरा उसी की लाइब्रेरी में लिख दिया। और उन्होंने ये बोला कि जब आपको प्रयोग करना हुआ इसका नाम लिखिए और उसको यूज करिए, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसके बारे में कुछ कहीं कुछ लिखा नहीं गया होगा, इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ लिखा गया होगा। तो वही बात यहाँ पे, ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्डों को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड के नाम से जानते हैं। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछता है तो ध्यान देना है आपको, कीवर्ड इज आल्सो नोन एज प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज दैट वर्ड दैट मीनिंग इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन कंपाइलर, जो कि कंपाइलर को पहले से डिस्क्राइब्ड होती है। कीवर्ड इज नोन एज प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड, जिसे प्री डिफाइंड वर्ड या रिजर्व वर्ड के नाम से जानते हैं। देर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं। कितने कीवर्ड होते हैं भाई, 32। ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कीवर्ड से रिलेटेड जब कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ये पूछे जाएंगे, कीवर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर रिजर्व वर्ड किसे बोलते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड किसे बोलते हैं, कीवर्ड्स की संख्या कितनी होती है, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। चार ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछेगा इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। और एक बात और कीवर्ड से रिलेटेड की जाती है कि टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में, टर्बो सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम लोग सी के प्रोग्राम को बनाते हैं, वहां पे जब कभी हम किसी भी कीवर्ड को लिखते हैं, जब भी कभी किसी कीवर्ड को लिखते हैं तो हमेशा और हमेशा किस लेटर में हो जाते हैं, व्हाइट कलर में हो जाते हैं। अगर सही तरीके से आपने लिखा है तो सफेद रंग के हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चर्चा कर ली है तो एक चर्चा और कर लेते हैं, क्या कीवर्ड जो है हमेशा और हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे, मतलब कि छोटी एबीसीडी में लिखे जाएंगे। कीवर्ड्स जो है हमेशा और हमेशा छोटी एबीसीडी में लिखे जाएंगे, लोअर केस में लिखे, कभी कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव होने का मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो द फाइनल पॉइंट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त, कितने कीवर्ड है, 32, ऑटो डिफॉल्ट, ऑटो ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, कांस्ट, कांस्ट का मतलब कांस्टेंट से है, कैर का मतलब कैरेक्टर से है, डू, डबल, डिफॉल्ट, इनम, इनम का पूरा नाम क्या होता है, इनमरेटर होता है, एल्स होता है, एक्सटर्न होता है, फॉर, फ्लोट, गो टू, इफ, इंट मतलब इंट फॉर इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, सार्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट फॉर स्ट्रक्चर, स्विच, टाइप डेफ, टाइप डिफॉल्ट के लिए, यूनियन, अनसाइंड, वाइट, वोलेटाइल और वाइल। तो ये हमारे क्या है, हमारे भाई ये क्या है, कीवर्ड्स हैं, इनकी संख्या, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके नामों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इनके नामों को एक बार आप समझ लीजिएगा। ऐसा क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है,
तो एग्जाम में जब आप जाइए तो इससे पहले इनके नामों को एक बार देख लीजिए। वैसे ऐसा बोला जाता है कि जब अपने प्रोग्राम में आप इन सारे 32 कीवर्ड्स का यूज कर लेंगे, मतलब सी वहीं पे खत्म हो गई। तो कुछ का तो अपने प्रोग्राम में हम लोग काफी का तो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे ही करेंगे, मतलब प्रोग्राम में इसका यूज होगा, ठीक है। तो और कुछ बातें यहाँ पे कि आल कीवर्ड ऑलवेज रिटन इन लोअर केस एंड दे रिटन इन टर्बो सी प्लस आईडी देन टेक व्हाइट कलर्स ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर में हो जाते हैं। द वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, जो कीवर्ड है वो वेरिएबल नेम के जैसे यूज नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब ये कि जितने भी वेरिएबल हैं इसके नाम से आप कोई भी अपने से क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं। तो आई होप हमने आइडेंटिफायर्स की चर्चा कर ली। अब देखिए हमने तीनों आइडेंटिफायर पढ़ लिए, कौन कौन से भाई, कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड, कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड। तो हमने कहने का मतलब जैसे अल्फाबेट हमने सीखा, अपने शब्दों का ज्ञान हमें हो गया, हमें अब आइडेंटिफायर्स का नॉलेज हो गया, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल और क्या होता है हमारा कीवर्ड। अगली चर्चा हम लोग करते हैं भाई इंस्ट्रक्शन पे, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन कैसे बना। अब हम लाइनों पे चर्चा करेंगे, बड़ी लाइनें लिखेंगे, पूरे पूरे स्टेटमेंट लिखेंगे, डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। ये चार तरीके के स्टेटमेंट हम लोग अपने प्रोग्राम के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों आते हैं चर्चा करते हैं अपने स्टेटमेंट। इंस्ट्रक्शन इन सी, अब इंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक कमांड होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एक कमांड होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन चार प्रकार के होंगे, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की, किसकी चर्चा करेंगे, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की चर्चा करेंगे। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप रिफर्स टू टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन एनी वेरिएबल। डेटा टाइप वो डेटा का वो प्रकार होता है जिस प्रकार का हम लोग वैल्यू या फिर कांस्टेंट हम लोग स्टोर करने वाले होते हैं उस वेरिएबल में। देयर आर थ्री बेसिक डेटा टाइप व्हिच आर इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तीन तरीके के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंट बोलते हैं, फ्लोट और कैरेक्टर, तीन होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिस्टम डिफाइंड आर प्राइमरी डेटा टाइप, यही को हम लोग सिस्टम डिफाइंड या फिर प्राइमरी डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर की रेंज ये होती है अनसाइंड इंटीजर, इंटीजर इनकी क्या होगी रेंज, यही होती है इनकी रेंज के, मतलब इतने नंबर से इतने नंबर तक के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टिपिकली रेंज एंड साइज ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स, ये और भी कुछ साइज लिखी गई है भाई, साइज को देख लीजिए। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इंटीजर से पूछा जाएगा आपसे, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे इंटीजर से, इंटीजर की रेंज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका अनसाइंड से, कहाँ से पूछा जाएगा, अनसाइंड से। अनसाइंड में निगेटिव का कोई जगह नहीं होता, तो 65535 बाइट तक की मेमोरी को स्टोर करता है और ये 2 बाइट की से जगह मिलती है, ठीक है। फिर अगली चर्चा करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। अ डेटा टाइप विच इज आल्सो कीवर्ड इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऐसे डेटा टाइप जो डेटा टाइप होने के साथ साथ में कीवर्ड भी होते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। दे आर इंट, कैर, फ्लोट, डबल वाइड, ये पांच कौन कौन से हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल वाइड, ये पांच हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। आपसे पूछ लिया जाता है प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब प्राइमरी वाले से ही है। यहाँ पे पांच हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, इंट, फोर, इंट, फ्लोट, कैर, वाइड एंड डबल। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगली चर्चा करते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। एवरी वेरिएबल नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम, सारे वेरिएबल्स का डिक्लेयर करना जरूरी होता है प्रोग्राम में यूज करने से पहले। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ अ डेटा टाइप, वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होगा उसके पहले उसमें क्या लिखा रहेगा, उसका डेटा का प्रकार लिखा रहेगा, जिस प्रकार का वो डेटा को स्टोर करने वाला होता है। फॉलोड बाई वन आर मोर वेरिएबल नेम्स एंडिंग विद अ सेमीकोलन, जिसको जो सेमीकोलन के साथ में क्या होंगे, एंड होंगे। सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, जो रूल होगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का,
तो सबसे पहले डेटा टाइप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, वोलेटाइल, वाइड, ये जो है वो डेटा के प्रकार है। जिस प्रकार के डेटा को हमें उस वेरिएबल के अंदर रखना है वैसा टाइप ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। इंटीजर रखना है तो इंट लिखेंगे, फ्लोट लिखना है तो फ्लोट लिखेंगे, कैरेक्टर लिखना है तो कैर लिखेंगे। फिर वेरिएबल नेम, उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम, नाम लिखने के लिए हमने नियम बताया आपको, ये अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, डिजिट के साथ में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे इंट राहुल, तो मतलब ये राहुल नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने राहुल नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप के डेटा को रखेगा। अब यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे राहुल नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप के डेटा को क्या करेगा, रखेगा। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर समझिए, आप लोग दावत जाते हैं, आप कहीं दावत में जाते हैं, वहां पे मान लेते हैं आपको कोई नहीं जानता, वहां पे आपको कोई नहीं जानता, आप पापा के साथ में गए, अब पापा के साथ में जाएंगे तो वहां पे पापा को जितनी रिस्पेक्ट या फिर जो जो चीजें खाने पीने को मिलेंगी वो चीजें आपको भी मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पापा को रसगुल्ला मिल गया आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। वैसे ही ये जो वेरिएबल नेम है वो जिस डेटा टाइप के साथ में रिप्रेजेंट होगा उसकी वही प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसके वही गुण हो जाएंगे। अगर आप मान लेते हैं किसी फंक्शन में मोदी जी के साथ में जाते हैं तो मोदी जी को जो सम्मान मिलेगा वही सम्मान आपको भी मिलेगा क्योंकि आप उनके साथ में गए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि इंटीजर की क्या खासियत है कि भाई ये 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा, इसके अंदर हम लोग -32,768 से लेके 32,767 तक के नंबर को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर जो है इसमें दशमलव वाला, डेसिमल वाला पॉइंट नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर होगा। तो वे सारे राहुल जो वेरिएबल है, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि राहुल नाम की एक जगह मेमोरी में बनी, उसको मेमोरी कितनी मिली, 2 बाइट की, इसके अंदर डेटा रखने की लिमिट क्या हुई वो हमने देख लिया। वो ये इंटीजर क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। यही अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता फ्लोट मोहन, तो यहाँ पे मोहन नाम की जो जगह मिली है उसको जगह कितनी मिलती, 4 मिलती, और इसे हमें इसके अंदर हमें केवल दशमलव संख्या को ही रखना है, इंटीजर नंबर को नहीं रख सकते थे। तो ये हुई बात, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कैर सीता, सीता हमने बनाया तो सीता को कितनी जगह मिलेगी, 1 बाइट की जगह मिलेगी, इसके अंदर हम कोई कैरेक्टर रख सकते हैं जो कि सिंगल कोट में होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होगा और इसके नियम क्या है। अगली पॉइंट यहाँ पे क्या है भाई, अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि वी कैन डिक्लेयर मोर देन 1 वेरिएबल सिमिलर टाइप ऑफ एट ए टाइम, मतलब एक बार में हम एक से ज्यादा वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही टाइप के। मतलब अगर आपने, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लोट ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल है, कामा से सेपरेट करके आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन सबका टाइप क्या है, फ्लोट है। सबका टाइप क्या है, फ्लोट है। गौर फरमाइएगा भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा आप, ये ए बी सी डी फ्लोट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे ये आपके फ्लोट नाम से वेरिएबल से बने हुए हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल बने हुए हैं। इन सबका टाइप सेम, जैसे इंटीजर अमन मोहन सोहन रोहन, अब इंटीजर टाइप के अमन मोहन रोहन सोहन बने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब एक ही टाइप है, हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स बना सकते हैं कामा से सेपरेट करके, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला होगा उसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, ये सेमी कोलन जरूर लगाएंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल भाई। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाई स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप एंड द आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल जो होंगे डेटा टाइप के साथ में, डेटा टाइप और आइडेंटिफायर जब भी वेरिएबल नेम के साथ में बनाए जाएंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, अगला पॉइंट जो है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, तो मेरे दोस्त गौर फरमाइएगा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पुटिंग द वैल्यू इंटू द वेरिएबल, पुटिंग द वैल्यू इंटू द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप बनाए, अभी तक हमने क्या देखा कि वेरिएबल हमने बनाना सीखा, वेरिएबल बनाने का पर्पज क्या था, डेटा रखना, जब उसका पर्पज था डेटा रखना, तो अभी तक हमने डेटा रखा नहीं, अब हम डेटा रख रहे हैं।
उसी से उसी डेटा के रखने को कॉन्सेप्ट को टेक्निकली टर्म में क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। टेक्निकली टर्म में क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पुटिंग द वैल्यू इन टू द वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है, क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इनिशियलाइजेशन तरीका दो, इनिशियलाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा हो सकता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन और रन टाइम इनिशियलाइजेशन, मैं ज्यादा टेक्निकली होता चला जा रहा हूँ, बातें पे थोड़ी सी मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑन टू द वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को पुट करना, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को पुट करना। एक काम दो तरीके से हो सकता है, एक ऑन टाइम पे, एक रन टाइम पे। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल बनाइए, आप वेरिएबल बनाइए और वेरिएबल बनाते समय पे ही अगर आप उसकी वैल्यूज दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। आपने वेरिएबल बनाया उसे छोड़ दिया, जब इसकी जरूरत पड़ेगी या फिर आगे चल के इसके हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। दोनों काम कैसे परफॉर्म होता है ये हम सीखें, ये हम सीखेंगे, लेकिन मतलब क्या है दोनों का, इनिशियलाइजेशन मतलब पुटिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल बनाते समय भी वेरिएबल को अंदर डेटा को रख देना ही क्या कहलाता है, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, प्रोग्राम को रन टाइम पे यूजर के द्वारा या जो प्रोग्राम को रन कराए वो उसका डेटा दे उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। काम करने का तरीका हमें सीखना है। जबकि एक बात सर और बनती है, शायद दिमाग में आ नहीं रही है, अगर हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल हमने बनाया उसकी वैल्यू हमने नहीं दी तो क्या होगा, ये देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, लेकिन बसरते अपने इस कॉन्सेप्ट को सर समझते हैं। सर जी मान लेते हैं हमने हमने कोई वेरिएबल बनाया, सर जी क्या करते हैं, हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ये अच्छा एक वेरिएबल बनाया हमने इंटीजर, सर जी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, हमने बना दिया, हमने इसके अंदर कोई डेटा नहीं रखा है। सर इसका मतलब क्या हुआ, ए नाम की एक कोई जगह अलाट हुई, ए नाम की कोई एक जगह अलाट हुई जो कि इंटीजर टाइप के डेटा को रखने के कैपेबल है, इसको दो बाइट की जगह मिली मेमोरी में। अब जरा ये समझिए, ये जो इंटीजर है ना, ये जो इंटीजर है, ये जो ए है, इसी के अंदर हमने कोई डेटा नहीं रखा है, और डेटा नहीं रखा है तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ध्यान दीजिएगा मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, गार्बेज वैल्यू, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेरे दोस्त, गार्बेज वैल्यू। इस गार्बेज वैल्यू को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है, थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर रहा हूं आपके लिए, इसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू। अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं है, कोई पहले से अंदाजा नहीं है, ऐसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों रखते हैं गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कुछ भी हो सकती है, तो कंप्यूटर उसको अपने हिसाब से रख देता है। कंप्यूटर इस चीज को कौन डील करता है, कंप्यूटर डील करता है उसे, कंप्यूटर अपने हिसाब से रखता है, इसमें यूजर का कोई लेना देना नहीं होता है, यूजर को पता भी नहीं होता क्या होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा, आप और आपके दोस्त दो लोग हैं और दोनों लोग बस से कहीं ट्रेवल करने जाते हैं, बस भीड़ है, बड़ी मुश्किल से सीट मिली है खिड़की वाली, दोनों लोग बैठे हैं, बगल बगल में सीट है, दोनों लोग बैठे हुए, अचानक से बस किसी स्टॉप पे रुकती है, यात्रियों का चढ़ना उतरना दोनों चीजें हो रहा है, आ भी रहे जा भी रहे, तो भीड़ है। आपके दोस्त बोलते हैं कि रुकिए मैं पानी और कुरकुरे कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, कुरकुरे अंकल चिप्स टाइप का कुछ भी मैं लेके आता हूँ, और आपके दोस्त के उठने का मतलब क्या है, उठे नहीं कि कोई ना कोई बैठा नहीं, अब उठे और कोई कोई बैठा
उस केस में क्या होगा? अब आपको उनकी सीट बचानी है, आप क्या करते हो? कोई बैग, कुछ भी आप रख दे, दोस्त जैसे उठता है आप कुछ ना कुछ सामान वहां पे रख देती हो। आपके सामान रखते ही क्या होता है? उस जगह पे कोई आके दूसरा बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, यही नियम है, कोई नहीं बैठेगा। क्योंकि भाई बैग रखा है, मान लेते आपने मोबाइल्स रख दिए या फिर कोई सामान भी आपने रख दिया, अब वो जगह क्या हो गई? रिजर्व हो गई, उस जगह पर कोई नहीं बैठेगा। या आपके फ्रेंड को पता है क्या कि अब मान लेते कोई आता है, भैया सीट खाली है क्या? तो आप बोले बैठे हैं, दिखता नहीं है क्या? आप क्या बोलते हो? बैठे हैं, दिखता नहीं है क्या? क्या वो बैठे हैं क्या? नहीं, उनका बैग रखा हुआ है। या आपको फ्रेंड को पता है क्या? उन्होंने उसके फ्रेंड को आपको बैग बता दिया कि बैग हमारे दोस्त है, बात समझिएगा। वैसे ही हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिलती है वो कहाँ मिलती है? रैम में मिलती है। कहाँ पे मिलती है मेरे दोस्त? रैम में। पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में जगह मिलती है। अब रैम हमें पता है कि नेचर में क्या है? वोलाटाइल होती है, मतलब बनती बिगड़ती रहती है, वोलाटाइल होती है। तो यहाँ पे डेटा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसी जगह को रिजर्व करने के लिए कंपाइलर अपने से उस जगह कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई वैल्यू नहीं देते। हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो कंपाइलर अपने से उस जगह पर कोई ना कोई वैल्यू रख देगा। अच्छा मान लो 24E5 कुछ भी रख देगा। इसके बारे में यूजर को पता नहीं होता है। वैल्यू कैसी होती है? अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होती है। और इसी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, किसी को क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। अब ये जो गार्बेज वैल्यूज होती हैं, जो हमारी ये गार्बेज वैल्यू होती हैं, ये गार्बेज वैल्यू, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, कंपाइलर तब होगा जब हम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस वेरिएबल को वैल्यू दे दिया, वेरिएबल को वैल्यू देने का हमने आपको बताया दो तरीका। एक होता है आपके पास ऑन टाइम और दूसरा क्या होता है? रन टाइम। एक होता है आपके पास ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? इन द टाइम आप डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वेरिएबल व्हेन वी असाइनिंग वैल्यू इन द वेरिएबल, जब हम वेरिएबल वैल्यू असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, इज कॉल्ड ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा? डेटा टाइप वेरिएबल नेम वैल्यू डेटा कांस्टेंट, जो भी वैल्यू डेटा कांस्टेंट हमें देना है वो हम दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इंट इंटीजर है, मोहन मोहन वेरिएबल नेम है, और 1 2 3 ये क्या है? इसकी वैल्यू। हमने क्या किया? इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया। इसको बोलते थे डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन। ये जो डिक्लेरेशन है इसमें हमने 1 2 3 123 एक नंबर क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त? एक जगह बनी, किस नाम से? एक जगह बनी हमारी मोहन नाम से। ये मोहन है और मोहन नाम से एक जगह बन गई, बस मोहन नाम की जगह पे हमने रख दिया नंबर 1 2 3। अगर हम केवल इंटीजर मोहन लिख के इतना ना लिखते, छोड़ देते, तो क्या होता? तब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आती। लेकिन अभी मोहन के पास एक इंटीजर नंबर रखा हुआ है, वो नंबर क्या है? मोहन है। लिखने का तरीका क्या है? डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, जो वैल्यू देना है वो वैल्यू देंगे, और उसके बाद फिर सेमी कोलन लगा देंगे। इस सेमी कोलन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये कंपाइलर को यह बताता है कि ये लाइन यहाँ पे क्या हो गई है? खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे यहाँ पे इंटीजर मोहन 18 कामा अगर आपने एक से ज्यादा बनाए हुए हैं तो ऐसे करके आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। फ्लोट भी, करेक्टर भी, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन का तरीका यही होता है, ऑन टाइम हम लोग इसी तरीके से करते हैं। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन जो है, सामने कर दिया हमने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर ए नाम से, इसके अंदर हमने रख दिया हाई। इसका मतलब ए नाम की एक जगह बनी, जिसके अंदर हमने रख दिया 5। लेकिन जस्ट इसी लाइन के नीचे हमने एक और लाइन लिख दिया ए असाइनिंग टू सेवन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर 7 भी आ गया। तो क्या यहाँ पे सर जी 5 और 7 दोनों हो जाएंगे, या फिर 7 के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर इस 5 को हटा के 7 कर दिया जाएगा? तो यही सही है मेरे दोस्त,
पुराने वाले नंबर को हटा के नया वाला नंबर उसकी जगह पे आ जाएगा। तो बात समझिए, अगर आपने, मैं फिर से अपने पॉइंट पे जा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे समझने वाली बात ये, आपने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, इसमें आपने रख दिया 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए नाम की एक जगह बनी, ए नाम की एक जगह बनी, उसके अंदर क्या रख दिया आपने, 5 रख दिया। अब फिर मैं इसी के जस्ट नीचे लिखता हूं ए साइनिंग टू 7, तो क्या होगा, इसकी जगह से 5 हट जाएगा, इसकी जगह से क्या होगा, 5 हट जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या जाएगा मेरे दोस्त, 7 नंबर स्टोर हो जाएगा। रेफरेंस के बाद आप लिख देते हो साइनिंग टू 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 भी हट जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही तो है ना वेरिएबल, जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकते हैं, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अब ये 5 है तो 5 टू 5 रहेगा ना, 5 तो चेंज नहीं होगा, 5 टू 5 ये चेंज हो रहा है, देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। तो आई होप आपके बात समझ आ रही हो। वैसे जब गार्बेज वैल्यू रखी रहती है, और जब गार्बेज वैल्यू रखी रहती है तो हम लोग जब उसमें कोई नया डेटा रखते हैं तो क्या होता है, पुराना वाला डेटा गार्बेज वैल्यू हट जाती है, हमारा नया वाला डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो गार्बेज वैल्यू का क्या होता है, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, तो गार्बेज डेटा का यही होता है, यही असर होता है गार्बेज डेटा का। अब आ जाइए भाई, अब बात कर लेते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वी कैन इनिशियलाइज वैल्यू इन द वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ। हम लोग वेरिएबल में वैल्यू दे सकते हैं बनाते समय भी और बनाने के बाद भी, वेरिएबल बना के छोड़ दीजिए, उसकी वैल्यूज आप बाद में भी दे सकते हो, बाद में भी उसके वैल्यू देने के तरीके हैं, इसी तरीके को बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। नोट व्हेन वी नॉट इनिशियलाइज वैल्यू इन द वेरिएबल एट द ऑन टाइम, देन इन द प्लेस ऑफ वैल्यू एन अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू टेक्स द प्लेस फॉर टेम्पररी, दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। इन द इंटायर प्रोग्राम ओनली 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट रिटन, पूरे के पूरे प्रोग्राम में 2 तरीके के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड एक्शन स्टेटमेंट, और ऑल स्टेटमेंट अदर देन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एक्शन स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट अदर देन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एक्शन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अलावा जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे लैंग्वेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट बी बिफोर कम फ्रॉम एक्शन स्टेटमेंट, एक्शन स्टेटमेंट जो होंगे वो हमेशा और हमेशा किसके बाद आएंगे, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद ही आएंगे। ये तो बातें हो गई आपकी, अब चर्चा करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, यही पे हम लोग सीखेंगे प्रिंटफ के बारे में और स्कैनफ के बारे में। तो दोस्तों आज की चर्चा यही पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट, और कुछ प्रोग्राम्स पे भी बात करेंगे, वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे ऑन टाइम पे भी, रन टाइम पे भी, उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको हमारी जो क्लासेस हैं, बातें हैं, समझ में आ रही होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो सकते हैं, डाउट्स हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप संस्था पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट लिखिए, हम आपके सवालों के लिए तत्पर हैं और आपके सवालों के जवाब हमारे पास बने हुए रखे हुए हैं। आप सवाल तो पूछिए, जवाब हम आपको देने के लिए तैयार हैं। डाउट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, डाउट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जगह रखिए माइंड में केवल केवल कॉन्सेप्ट्स के लिए दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।